कि भाई विधायक और महापौर की ट्यूनिंग नहीं बन रही थी। कुछ कमीशन का भी सिस्टम रहता है, हमने ऐसा सुना है। जो उनके हस्बैंड हैं वो भी जानकार व्यक्ति हैं, क्योंकि नगर पालिका नगर निगम की उन्होंने ठेकेदारी की है किसी ना किसी काम में। तो अभी उतरे हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी उज्ज्वल गुप्ता, है ना, वो भी महिला जो है पढ़ी लिखी हैं। और उधर विधायक जी भी आशीर्वाद पूरा बनाए हुए हैं। हो सकता है जनता का मूड बदल जाए और आपको मौका दे दे, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो देखिए ऐसा होता है कभी कभी, जब ट्यूनिंग नहीं मिलती है और पैनल पूरा एक तरफ है, तो जब पैनल में नाम ही नहीं जाएगा तो हमारे ही टैक्स के पैसों से सरकारें चल रही हैं। स्वास्थ्य राय पे कई बार ऐसा भी देखा है, सिग्नल रेड है और जो चौराहे पे जो होमगार्ड या सिपाही जो भी ट्रैफिक के लगे वो हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, रेड सिग्नल है फिर भी निकाल रहे हैं। तो नमस्कार, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से KIA के स्पेशल सीरीज किया इंटरव्यू में। दोस्तों आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जिलाध्यक्ष हैं और हमारे फिरोजाबाद में वो एक बहुत अच्छे समाज सेवी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। मानवाधिकार प्रोटेक्शन से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं घनश्याम गुप्ता जी का। घनश्याम जी बहुत बहुत स्वागत आपका, दूसरी बार आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए बराबर चैनल जो सोशल मीडिया पर आपका चलता है जी, उसके माध्यम से हम आपकी न्यूज़ बराबर देखते हैं सक्रियता से जी। और हमारा मानना है कि फिरोजाबाद में नंबर वन, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, नंबर वन पे आपका चैनल काम कर रहा है। बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से एक सामाजिक व्यक्ति का आवाज़ सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का काम जो आप कर रहे हैं वास्तव में बहुत सराहनीय है। और मैं अपने संगठन मानवाधिकार प्रोटेक्शन जिसका मैं स्वयं प्रेसिडेंट हूं जी, और लगभग 23 से 24 राज्यों में मानवाधिकार प्रोटेक्शन काम कर रहा है, और मेरा सौभाग्य है कि पिछली साल लगभग 11 वर्ष बाद मुझे जो है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी के द्वारा फिरोजाबाद जनपद के सभी व्यापारियों का नेतृत्व करने का मौका मिला है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और मैं आपको गौरव जी बता दूं, आज मेरा जन्मदिन भी। अरे वाह, बहुत शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों से भी हम कहेंगे कि वो आपको जरूर जन्मदिन की बहुत धन्यवाद। वैसे फिरोजाबाद के ही नहीं, पूरे देश में जहाँ भी हमारा संगठन है, हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं जी, सुबह से जो है हजारों की संख्या में जन्मदिन की शुभकामनाएं उन लोगों ने दी हैं। और मैं तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से उन सभी मेरे शुभचिंतक, मुझे चाहने वाले जो महानुभाव हैं, उन सभी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद। गौरव जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे बुलाकर मेरा इंटरव्यू लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की, और आप इसी तरह देश की और समाज की सेवा करते रहें। तो आज कौन सा वह जन्मदिन है आपका? आज 45 आज मैं 45 साल का पूरा हो गया जी। तो 45 साल के हो गए हैं, आपने अपने जीवन के 45 वर्ष पूरे किए हैं। बिल्कुल। तो क्या इस बार नया आप प्लान कर रहे हैं कि अब की साल में हम कुछ नया करेंगे? देखिए लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में हम लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छे प्रतिनिधि समाज से चुन के आएँ, जो जनता के कामों को करें और अपने पूरे जनपद का शहर का विकास करें। ऐसा जनता फिरोजाबाद की, जबकि अब नगर निकाय चुनाव का माहौल चल रहा है, 4 मई को हमारे यहाँ मतदान होगा। सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से यही समस्त जनता जनार्दन जो है, माताएं बहनें, हमारे भाई लोग, बड़े बुजुर्ग, बालिक बच्चे जिनके वोट बन चुके हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि देखिए इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अगर हमारे पास है तो वो हमारे मताधिकार की ताकत है जी। और 4 मई को पहले वोट, उसके बाद में खाना खाएंगे। 4 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और एक अच्छे प्रत्याशी को जो आपके समाज में काम करे,
अपने शहर का विकास करे, अपने वार्ड का विकास करे, सकारात्मक सोच का व्यक्ति हो, कोई भी सांप्रदायिक बात न करने वाला हो जिससे हमारे समाज का माहौल खराब हो, अच्छी सोच के व्यक्ति को चुनकर इस बार सभी लोग भेजें। इतनी बात मैं निवेदन के साथ कहूँगा। चलिए उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा कि एक अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तो पिछली बार भी हमने जब आपसे पूछा था कि हमारा नेता कैसा हो, तो आपने उसमें भी तमाम तरह के गुण बताए थे। तो अब जो प्रत्याशी चूंकि अब क्लियर हो गए हैं, उस समय प्रत्याशी क्लियर नहीं थे, तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी के प्रत्याशी में वो दम है जो कि इन सब चीज़ों पर खरा उतर सकता है? देखिए, वर्तमान में रहना चाहिए व्यक्ति को। जी, है ना, जो लोग वर्तमान में रहते हैं वही अच्छा काम कर सकते हैं, आगे और पीछे की सोचने वाले कभी अच्छा काम नहीं कर सकते। जी, क्योंकि वो आगे और पीछे का सोचेंगे, जो वर्तमान में होता है उसी को सोचना चाहिए। अब जैसे देख लीजिए, पिछले 5 साल जो गुजरे हैं, बीजेपी से महापौर नूतन राठौड़ थी जी, उन्होंने काम किया, थोड़ा शिथिलता से काम किया। शिथिलता इसलिए थी कि भाई विधायक और महापौर की ट्यूनिंग नहीं बन रही थी, हमको ऐसा लगता था, लोगों से सुनने को मिलता था, लेकिन कन्फर्म हम भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन महसूस करते थे, क्योंकि जब विकास नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोचा जरूर है। ठीक है, लोग कह रहे हैं तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है। तो ये चीज़ देखा हमने, और छलावा रहा, सभी व्यापारियों के साथ, जनता के साथ छलावा किया गया, कोई काम ठीक तरह से नहीं हुआ था। इसके थोड़े से हम उस बात के लिए जानने के लिए जब आगे बढ़े कि क्या मामला है क्या नहीं है, तो जब ट्यूनिंग नहीं मिलती है तो अक्सर कर ऐसा ही होता है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। तो फिरोजाबाद की बात कही जाए तो इस समय जो है एक साथ चलने वाले लोग हैं जी, तो उम्मीद है कि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। मतलब जो काम पहले नहीं हो पाते थे अब वो एक जैसे दिमाग हो गए हैं, तो वो काम अच्छे से कर पाएंगे। हाँ, देखिए मोदी जी का कहना है सबका साथ और सबका विकास। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि पहले भ्रष्टाचार ठीक से नहीं हो पा रहा था, अब दोनों एक जैसे मिलेंगे तो भ्रष्टाचार अच्छे से करेंगे। आप कह रहे हैं काम अच्छे से करेंगे? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बिल्कुल गौरव जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जब मुझसे जो है इस तरीके के सवाल करते हैं जी। तो बहुत अच्छा लगता है, जरूरी है, और मैं बताऊंगा अभी, ऐसा नहीं है। व्यापारियों का नेतृत्व कर रहा हूं, आज मुझसे 50,000 व्यापारी जो है पूरे शहर में जुड़ा हुआ है, और उनके हर अच्छे और बुरे हर व्यवस्था का ख्याल मुझे करना होता है। तो ये भी सवाल का जवाब आपको दूंगा कि आपने सवाल किया कि पिछले जब महापौर थे काम नहीं हुए, आज महापौर हैं तो अच्छा काम होगा जो टोनिंग से बनना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है तब से इंडिया डिजिटल हो गया है। ठीक है, और डिजिटल इंडिया जब हो गया है तो देखिए पारदर्शिता होती है उसमें, क्योंकि सारा चीज ऑनलाइन है। पहले FIR कराने अगर कोई थाने में जाता था छोटी से छोटी, तो वो व्यक्ति को परेशान कर दिया जाता था कि अभी साहब नहीं है तो कभी जो है कंप्यूटर पर व्यक्ति नहीं है तो कभी कोई लिखने वाला नहीं है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ऑनलाइन है सारा, थाने में अगर जा रहा है और अधिकारी नहीं मिल रहे हैं तो वो डायरेक्ट पोर्टल पर डाल देता है बंदा, तो उसका डिस्पोजल करना पड़ता है सभी अधिकारियों को। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो ऊपर से आता है कागज, उसका डिस्पोजल करना होता है। तो आज जो है गौरव जी पारदर्शिता है। देखिए, पहले जब दो लोगों में आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा था तो काम बिगड़ रहे थे। कोई विकास की योजना लेके आया तो सामने वाला कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, बोला रहा है तो वो कह रहा है कि ये ठीक नहीं है। तो अब एक ट्यूनिंग जब रहेगी तो मुझे लग रहा है कि अब काम होना चाहिए। देखिए, लोग कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो थोड़ा सा भी राजनीति में या
समाज में अंदर तक चलने वाला, समाज का काम करने वाला व्यक्ति है, तो वो इतना तो जान लेता है कि देखिए आप भी मीडिया के हैं, आप क्या किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। योगी जी का शासन है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बच रहा है जी, है ना, तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो अब दोनों की ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग में अच्छा काम होना चाहिए और पारदर्शिता है। जो योजनाएं पास हों वहाँ के प्रतिनिधि जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार ने जो योजना दी है और हमारे ऊपर जो बैठे हैं उनसे उस योजना को हमारे बार तक हमको लाना है और उसको धरातल पर उतारना है। ज्यादा काम होगा, देखिए जो भी महापौर बनेंगे, बहुत से लोग कहते हैं ना जेब भरते हैं, कुछ कमीशन का भी सिस्टम रहता है, हमने ऐसा सुना है, तो अगर ज्यादा काम होगा तो उन्हें भी तो ज्यादा फायदा होगा। नहीं होगा, काम नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। अब हम और आप जैसे लोग सक्रिय हैं जनपद में, आरटीआई डालेंगे हर चीज का, आगे आने वाले समय में शुरुआत करेंगे संगठन के द्वारा। ये आरटीआई पिछले समय में नहीं डाली आपने? पिछले समय में आपने कहा तो अभी उसकी जानकारी आगे लेंगे ना, आरटीआई डाल के लेंगे जानकारी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो भी योजना है 5 साल में उन्होंने दी, क्या क्या योजनाएं आई, किस योजना के तहत काम हुआ, उसके लिए हमने अब व्यवस्था कर रखी है। एक हमारे आलोक जी हैं जो साइबर प्रभारी हैं, यानी उनको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, ऑनलाइन जो भी काम होते हैं, एक्सेल का जो काम होता है, बहुत अच्छा ज्ञान है, तो उनको हमने जो है उसका प्रभारी बना दिया है। और एडवोकेट भी हैं वो, अच्छे एडवोकेट हैं, तो उनको जिम्मेदारी दे दिया। उनका काम रहेगा कि जो भी योजनाएं आएंगी जी, उस योजना पर अगर लगेगा ऐसा कि ये काम नहीं हो पाया है और इस योजना को सबको बंदर बांट हो गया जी, तो उसके लिए वही एक रास्ता है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 बना, वो इसीलिए बना जनता के लिए। उसमें अन्ना हजारे जी जो हैं उन्होंने बहुत आंदोलन करके बहुत मेहनत की, तब ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 शुरू हुआ। तो आगे हम लोग इस चीज की तैयारी में हैं। चलिए निकाय चुनाव पर आते हैं। निकाय चुनाव में आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद के अंदर कौन सा ऐसा कैंडिडेट, जैसा मैंने अभी पहले भी सवाल किया आपसे, कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो आपको लगता है कि अच्छा काम कर सकता है? आपने बोला कि भाजपा के अलावा किसी पार्टी में ऐसा कोई कैंडिडेट है जो दूसरे नंबर पर आपको लगता है कि होना चाहिए? देखिए कैंडिडेट जो अभी उतरे हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं उज्ज्वल गुप्ता, है ना, वो भी महिला जो है पढ़ी लिखी हैं और पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो वो इतना तो ज्ञान रखता है कि आगे अगर हमें कुछ कराना है तो उसके संदर्भ में पढ़ सकता है, योजनाओं के संदर्भ में पढ़ सकता है, जान सकता है, तो वो भी हैं, ऐसा नहीं है, कैंडिडेट तो वो भी अच्छी हैं। और समाजवादी पार्टी से भी कैंडिडेट हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी हैं, और भी हो सकता है कई लोग कैंडिडेट अपनी अपनी पार्टी से उतारेंगे। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि देख सरकार का मामला पहले चलेगा, ठीक है ना जी, सरकार का मामला पहले चलेगा, ऊपर सरकार है और नीचे अगर कैंडिडेट, मान लीजिए हमें ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति थोड़ा बोलने में कमज़ोर है लेकिन पढ़ा लिखा तो वो भी है ना, जो उनके हस्बैंड हैं वो भी जानकार व्यक्ति हैं, क्योंकि नगर निगम की उन्होंने ठेकेदारी की है किसी ना किसी काम में, तो जानकार हैं। और उधर विधायक जी भी आशीर्वाद पूरा बनाए हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस्ट पूरे फिरोजाबाद के लिए भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी रहेगा। चलिए, हाँ, उज्ज्वल गुप्ता की आपने बात की, उज्ज्वल गुप्ता ने भी अभी आरोप लगाए कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, गृहिणी है, उनको टिकट दे दिया है और पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है क्योंकि तमाम योजनाएं जो आ रही हैं उनमें कैसे काम करना है, किस लोगों से कैसे बात करनी है, सदन में कैसे अपनी बात रखनी है, पार्षदों से कैसे काम करवाना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए एक लीडरशिप भी आना बहुत ज़रूरी है। अब जो आदमी बोल नहीं पा रहा है तो वो लीडरशिप कैसे करेगा? आपकी बात गौरव जी बिल्कुल ठीक है, मेरा तो कहना ये है कि उन्हें इन सब बातों से क्या लेने देना है, पार्टी ने तो निर्णय दे ही दिया है ना, अब वो चुनाव होना है, अब ये सब बातें उनके लिए शोभा नहीं दे रही हैं किसी के बारे में। अगर वो विकास का मुद्दा लेके चले तो ज़्यादा बेटर है,
हो सकता है जनता का मूड बदल जाए और आपको मौका दे दे। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, किसी पार्टी से नहीं है, ना जनता में किसी व्यक्ति को आपका विरोध रहेगा कि भाई ये फलां पार्टी से हम वोट नहीं देंगे या फलां पार्टी से। तो उन्हें अपना प्रचार प्रसार, सामाजिक लोगों से मिलना जुलना शीघ्र रूप से जो है तेज़ी से करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है, चुनाव बिल्कुल करीब है। एक बात और अभी आपने की कि सरकार जो है उसका पहले रहेगा। हाँ, तो जो वर्तमान में सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो भाजपा के प्रत्याशी जीतना चाहिए। बिल्कुल आपने बोला। हाँ हाँ, तो देश तो लोकतांत्रिक है ना, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि उन्हें किसको वोट देना, और वो जिसको वोट देंगे वही जीतेगा। बिल्कुल बात ठीक है। तो इसमें सरकार फिर कहाँ से रही? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि राजनीति और समाज दोनों में बहुत डिफरेंट है, है ना। सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हम सेवा कार्य जो करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, और राजनीतिक स्तर पर जो व्यक्ति काम करता है, जनप्रतिनिधि बन के पहुँचता है सदन तक, उसकी बात एक अलग होती है, है ना। तो अभी वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारी सुरक्षित है जी, ठीक है ना। व्यापारी बिल्कुल सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, और अगर हमारा महापौर जो भी बनेगा वो भी भारतीय जनता पार्टी का, हम अप्रत्यक्ष वोट से अगर जिता के भेजेंगे तो सरकार का झुकाव भी फिरोजाबाद की तरफ रहेगा, इसलिए विकास का अच्छे होंगे। मैंने तो इसलिए कहा है, बाकी जनता का मत है, जनता जिसको भी चुने मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा तो यही कहना रहेगा कि अखिल भारतीय और मंडल से मैं जिला का अध्यक्ष भी हूं, और हमारे प्रदेश स्तर से सभी जनपदों में, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं, 75 जनपदों के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर से टिकट लेके प्रत्याशी उतारे गए हैं, उन प्रत्याशियों को समर्थन भी और साथ भी देने के लिए हमें आदेश हुआ है, और हमें उस आदेश का अनुपालन भी करना है। और मन की बात भी यही है कि जो सरकार है अगर उसी का प्रत्याशी जीत के जाता है तो हमें लगता है, और आप भी समझ रहे हैं इस बात को, कि मान लीजिए ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। देखिए, प्रत्याशी जीत गया, हम मानते हैं उसको नहीं, ज़्यादा ज्ञान नहीं है इस संदर्भ में, तो ऐसा नहीं है, हम और आप लोग साथ देंगे ना उनका। चलिए, हाँ, एक और महत्वपूर्ण सवाल बिल्कुल ये बिल्कुल है कि सिटिंग जो भी कैंडिडेट होता है जी, उसको प्रायोरिटी दी जाती है जी, लेकिन हमने देखा कि इस प्रत्याशी जो की जो सूचना जारी की गई, जो लिस्ट जारी करी गई, उसमें सिटिंग मेयर का तो कहीं कोई नाम ही नहीं था। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। ऐसा क्यों हुआ, उनकी टिकट कैसे कटी, ये सब मतलब कैसे हुआ? मैंने आपको अभी पहले भी बताया था ना, जब ट्यूनिंग नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटसट होता है, कटसट होता है ना, वो मालूम है। अब बताता हूँ, ये भी आपने कहा है तो देखिए, हमारे महानगर फिरोजाबाद के जो अध्यक्ष हैं वो माननीय राकेश संखवार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे विधायक जी हैं मनीष असीजा जी हैं, है ना। इनका एक पैनल होता है, वो पैनल बैठा, तो देखिए ऐसा होता है कभी कभी जब ट्यूनिंग नहीं मिलती है और पैनल पूरा एक तरफ है, तो जब पैनल में नाम ही नहीं जाएगा तो ऊपर शीर्ष नेता जो बैठे हुए हैं वो स्वतः निर्णय तो नहीं ले सकते ना, नीचे जो टीम काम कर रही है पूरे जनपद के अंदर उससे सलाह मशवरा कुछ तो लेंगे। तो परफॉर्मेंस के आधार पे उनका टिकट कटा है, ऐसा कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस जो हल्की रही। तो परफॉर्मेंस देखिए, हर चीज़ ट्यूनिंग से तो नहीं होती। देखिए, भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भी, राज्य में भी जी, और सदर विधायक भी भाजपा के थे, मेयर भी भाजपा की थी, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ और आने वाली जो 5 साल होंगी उनमें विकास होगा? अब देखिए, ये उन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का अपना पारिवारिक मामला है, और मैं तो व्यापारियों का अध्यक्ष हूँ, कोई भी महापौर बने हमारा काम उन्हें करना है, इसलिए करना कि हम व्यापारी देश और प्रदेश की सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे ही टैक्स के पैसों से सरकारें चल रही हैं, और जो विकास कार्य होता है वो जनता और व्यापारी के ही पैसे से होता है, और इस पैसे को हम लूटने नहीं देंगे किसी को, ये हमारा वादा है। चलिए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम लूटने नहीं देंगे। अगर जनता के विकास के लिए पैसा आएगा तो जनता के बीच में विकास करना पड़ेगा, प्रत्याशी कोई भी जीते।
ठीक है, चलते चलते आखिरी सवाल कि फिरोजाबाद में अब ऐसा आप क्या देखते हैं जो अब तक नहीं हुआ और आने वाले भावी महापौर को वो काम करवाने चाहिए? जी, ये बहुत बढ़िया सवाल किया है। देखिए, सबसे पहली बड़ी समस्या जो शहर की है, वो शहर की समस्या है कि यहाँ का व्यापार भी मंदा रहता है। क्यों मंदा रहता है? क्योंकि यहाँ वाहन ज़्यादा है, मोटरसाइकिल, कार जो भी है, और रोड छोटे छोटे हैं। सबसे बड़ी समस्या है जो वो है ट्रैफिक की व्यवस्था, जाम की समस्या। तो महापौर जो आए वो ऐसा कोई मैप तैयार करें प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठ के कि जैसे टिर्री वगैरह चलती हैं बाजार में, जाम लगता है बाजार में, तो इनका एक रूट मैप बने। कहा तो पहले भी था, जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं उन्होंने मीटिंगों में, हम गए हैं कभी, तो कहा है कि हम लोगों ने रूट मैप बनवा लिया है, लेकिन धरातल पर अभी कोई भी काम है नहीं है। मैं तो इतना ही चाहूँगा कि जो महापौर हैं और नगर निगम को संचालित महापौर ही करेगा, और कोई भी महापौर आए बन के उन्हें शहर में, जैसे अभी स्मार्ट रोड बन रहा है, काफ़ी समय हो गया बन ही नहीं पाया, टाइम बहुत लग रहा है, व्यापारी परेशान है। बीच में आपने देखा होगा कि नालों का पानी दुकानों में चला गया था, इसके लिए हमारे संगठन ने आवाज़ भी उठाई थी, तो थोड़ी तीव्रता भी हुई। पिछले बार हमने बताया था शास्त्री मार्केट वगैरह के लिए हमने जो ज्ञापन दिया था, तो उसमें भी अभी 8-10 दिन पहले जो है सीढ़ियों की मरम्मत वगैरह करा दी गई है। अच्छा, हाँ हाँ, पत्थर लग गए हैं, मरम्मत करा दी है, वो सीमेंटेड प्लास्टर जो होता है। तो चलिए, ये सारे काम हो रहे हैं, छोटे छोटे काम हैं, लेकिन जो बड़े काम हैं, बड़े काम यही हैं कि सबसे पहले तो शहर का ट्रैफिक जो है मेंटेन किया जाए कि किस तरीके से वाहनों को चलवाना है, है ना। ये ITMS लगा, सिग्नल जो लगे हैं, तो सिग्नलों का भी अभी कोई सिस्टम ही नहीं समझ में आता है। सिग्नलों का कभी बंद रहता है, कभी किसी की टाइमिंग ज़्यादा है, किसी की कम है, इस तरीके से इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि काम ही नहीं करता, भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, और उसको चालान काट के जब आ जाता है तो उसे भरना पड़ता है। तो उनकी भी व्यवस्था उनको दिखवानी पड़ेगी कि जो सिग्नल बने हुए हैं तो सिग्नल को फॉलो अगर हम मान लीजिए करते हैं तो वो सही भी तो चले जी। अब सही नहीं चल रहे, पता ही नहीं चल रहा है कभी। अब देखिए, स्वास्थ्य राय पे कई बार ऐसा भी देखा है, सिग्नल रेड है और जो चौराहे पे जो होमगार्ड या सिपाही जो भी ट्रैफिक के लगे वो हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, रेड सिग्नल है फिर भी निकाल रहे हैं, तो इसमें एक्सीडेंट का भी डर होता है। मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति तेज़ी से आ रहा है, उसे सिग्नल मिल रहा है और विपरीत साइड वो लोग निकाल रहे हैं, तो काफ़ी समस्याएँ हैं ऐसी। इन सब चीज़ों पर जो व्यापारी प्रतिनिधि हैं, जैसे मान लीजिए मैं ही घनश्याम गुप्ता जिला अध्यक्ष हूँ व्यापारियों का, तो हम लोगों के साथ बैठा जाए और बैठ के हम सभी लोग मिल के एक अच्छी सोच के साथ उस सभी चीज़ का निस्तारण करेंगे और होगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए, और बहुत से काम हैं शहर के जो पड़े हुए हैं, लेकिन अब करना तो उन्हीं को है जो भी महापौर बनेंगे। अब कितने काम गिनाऊं गौरव जी आपको, मैंने स्मार्ट रोड बता दिया, इतना समय लग रहा है कि जबकि इसको बन जाना चाहिए, है ना। ऐसे ही मार्केटों की जो मरम्मत है वो नहीं हुई तरीके से, जल्दी जल्दी में जो कुछ सुनने के लिए एक्शन आ गया, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। बहुत शहर में बहुत काम है, बहुत काम पड़ा हुआ है जो करना है इन लोगों को, तभी ना ये टिकट कटाए और क्यों कटाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातचीत हुई आज, और चलते चलते एक बार फिर से आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये इंटरव्यू समाप्त करते हैं कि आने एक बात और कहूँगा मैं चलते चलते। पहले तो गौरव जी, आपकी पूरी टीम को और आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद, और जनता को भी जो इस चैनल को देखेंगे उनको भी मैं, जिन्होंने मुझे बधाइयाँ दी उनको भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन चलते चलते एक बार फिर अपील करूंगा मैं समस्त फिरोजाबाद की जनता से, और फिरोजाबाद की नहीं पूरे प्रदेश की जनता से करूंगा कि मतदान वाले दिन अपना मतदान जरूर करें। इसका जो अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार जो हम लोगों को मिला है, इसको यूज करें, वोट डालने जरूर जाएं, और अच्छे प्रत्याशियों को जिताकर जिन पर आप भरोसा करते हैं कि ये हमारे वार्डों का विकास कराएगा, जनता के लिए मेहनत करेगा,
फिरोजाबाद में महापौर बनके सब लोगों की जो है समस्या को एक जमीनी स्तर पे चल के सुनने का काम करेगा, ऐसे व्यक्ति को जिताकर सदन तक भेजें, यही मेरा अपील है। मतदान अवश्य करें और 24 तारीख को फिरोजाबाद, वो 4 मई को फिरोजाबाद में मतदान है, उसे ना भूलें। 4 मई को अपना वोट डालने जरूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपके साथ हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग इस चीज़ से अवेयर हो सकें। बहुत अच्छी बात कही कि 4 मई को मतदान अवश्य आप करें, मत आपका अधिकार है और वो कुछ भी बदल सकता है, तो सब कुछ आपके हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया।